नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अध्यायणम, नमो ये सवसाहूणम। बोलो भगवान बाहुबली स्वामी की जय। बोलो परम पूज्य आचार्य पुष्पतन साकर जी महाराज की जय। पिछली बार आपको सोलह कारण भावनाओं का चिंतन करने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, तो आज हम उस पर उनकी भावनाओं का नाम तो हमने उनको बता दिए थे, उनका एक एक शब्दों में हम अर्थ तुमको बता देते हैं। पहली भावना थी दर्शन शुद्धि। दर्शन विशुद्धि अने विशुद्ध होना, दर्शन अने देखना, विशुद्ध होना किसका? तो लोग में जितने भी जीव हैं उनका कल्याण हो, उन्हें सुख की प्राप्ति हो, ऐसी भावना करना दर्शन विशुद्धि भावना है ना। दूसरी भावना विनय संपन्नता, सम्यक ज्ञान आदि मोक्ष मार्ग उनके साधक अनेक गुरु आदियों का विनय करना, उनका विनय करना, उनका आदर करना, उनका सम्मान करना, जो मोक्ष मार्ग में लगे हुए ज्ञान की आराधना में उनका सम्मान करना, ऐसे गुरुओं का सम्मान करना, उनके प्रति आदर का भाव मन में रखना, वो विनय संपन्न नाम का दूसरी भावना है। तीसरी भावना श्री व्रतानिचार, यानी क्या कहा? अहिंसा सत्य, अहिंसा सत्य चौर्य ब्रह्मचर्य परिग्रह अपरिग्रह, ये पाँच महाव्रत दिए हैं। ये पांच व्रतों का पालन करना तथा इनके पालन करने में जो सहायक है ना, इनको पालन करने में सहायक क्रोध आदि कषायों का त्याग करना, उन्हें कहते हैं व्रत और शिवों का निर्दोष पालन करना। जो व्रत और शिव आपने धारण कर रखे, यानी सीधी सी बात समझो, ये पांच व्रत हैं, अहिंसा सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, इनका पालन करना, शक्ति से पालन कर इनको जीवन में अवतरण करना, ये जो इनका इन्होंने अवतरण कर लिया उनके प्रति अच्छी भावना रखना, उनके बारे में सोचना, इन पांच व्रतों के बारे में सोचना, और इनमें जो बाधा है कसाय आदि उनका त्याग कर देना, उनके त्याग की भावना बार बार करना कि कसाय दुख का कारण है, कसाय दुख का कारण है, कसाय दुख का कारण, ये पांच अनुरोध जो हैं ये हमारे ये मोक्ष का कारण है, ये तीर्थंकर प्रकृति का कारण, ऐसे बार बार जो भावना करते हैं उसे कहते हैं श्री व्रतानिचार भावना। अब आती है अभिक्षण ज्ञान उपयोग, अने प्रति समय ज्ञान की आराधना करने की भावना रखना, अने निरंतर ज्ञान अभ्यास में लगे रहना, और अभिक्षण ज्ञान उपयोग निरंतर 24 घंटे ज्ञान के अभ्यास में रखना, 24 घंटे उठते बैठते खाते पीते सोते सिर्फ ज्ञान के बारे में सोचना कि क्या है, ज्ञान के माध्यम से मैं अपने कर्मों की निर्जरा कर सकता हूँ, अगर मुझे ज्ञान हो जाता है तो मैं किस स्थान पर जीव की हिंसा होती, किस स्थान पर जीव की हिंसा नहीं होती है, किन चीज़ों को खाने से जीव की हिंसा होती है, उनसे हम बचते जाते, तो ये हो गया अभिक्षण ज्ञान उपयोगी। अब आगे छठी भावना यथाशक्ति त्याग। यथाशक्ति त्याग मतलब कि अपनी अपने पास जितनी शक्ति है ना, उस शक्ति को बिना छिपाए हुए, अपने में जितनी शक्ति हो उसको बिना छिपाए हुए है क्या करना, रसों का त्याग करना, आहार का त्याग करना, एक ही हो गया। और दूसरा त्याग का अर्थ दान भी होता है, यानी अपनी शक्ति के अनुसार आहार दान, औषध दान, शास्त्र दान और अभय दान, ये दान भी देना, ये भी त्याग हो गया कि हमने कुछ अपने जीवन में त्याग किया, ये तो दूसरों की हो गया और हम स्वयं की क्या कि हमने दान दे दिया तो उनको साधना में सहयोग हो गया, तो हमने यथाशक्ति जितना त्याग किया और अपने जीवन में आचरण में धारण करना, वो भी यथाशक्ति भावना होती है। अब आती है तप, यथाशक्ति तप करना। तप करना मतलब अपनी शक्ति को छिपाए बिना, आप में जितनी शक्ति है उसको बिना छिपाए हुए मोक्ष मार्ग में, जो मोक्ष मार्ग का कारण है उन 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 अनुष्ठानों को करना, तप करना, जाप करना, सामायिक करना, उनको अनुष्ठान लेना, वह है यथाशक्ति तप। अपने आप जितना आप में शक्ति उतना तब जीवन में करते जाओ तो आप एक दिन तीर्थंकर बनने की भावनाओं को भा रहे हैं। वो आदिनाथ भगवान की जय।